बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश पर जोरदार तंज कसा। नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा, वे किसमें थे, जनता दल यूनाइटेड को किसने तोड़ा था, भाजपा में कौन पहले गया और किसके बल पर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री बने रहे, इनका कोई ठीक है कि कब कहां चले जाएंगे। वो कौन में थे, वो जनता दल को किसने तोड़ा था, भाजपा में कौन पहले गया, किसके बल पर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री बने रहे, इनका कुछ ठीक है, कब कहां चले जाएंगे, ये क्या बोलेंगे दूसरे को। कौन टिप्पणी किया गया, ये अच्छी बात नहीं थी, पॉलिटिकल मंच नहीं था, मुख्यमंत्री को इन चीजों से बचना चाहिए था। मैंने उनको आना दिखाया कि नहीं दिखाया, सच्चाई जो था बिहार की तस्वीर को दिखाया कि नहीं, कि यहाँ की शिक्षा की दुर्दशा क्या है। रामलखन वो शिक्षा के प्रचार प्रसार में उस समय जो कोई नहीं सोचने वाला था, सोचा रामलखन वो पूजनीय आदरणीय है, उनको हम प्रणाम करते हैं, और वही तो मंच था, ये मंच पॉलिटिकल नहीं था, पॉलिटिकलाइज कर दिया, पर उनको मैंने आईना दिखा दिया कि आज भी शिक्षा की कमी, शिक्षकों की कमी है, आज भी भवन विहीन है, आज भी आपके पढ़ाई की व्यवस्था थी, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के लोग अपने दो वक्त की रोटी कमाते हैं मुश्किल से, वही काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ के शिक्षा पर विश्वास नहीं है, बिहार में जो शिक्षा की गिरावट है उस पर विश्वास नहीं है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, आधा आधा टीचर गायब, खाली है, वैकेंसी है बड़े पैमाने पर, भर नहीं रहे हैं, ये क्या बात करेंगे, ये शिक्षा शिक्षा जाइए प्राइमरी स्कूल में, आप तो गाँव से आते हो, जाके पता करो कितना बच्चा पढ़ रहा है, जिस गुणवत्ता के साथ पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई हो रहा है क्या। वहीं राहुल गांधी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा, याद नहीं है राहुल गांधी को कौन गड्ढा खोदा था। हम ये पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि कोर्ट ने इनको सजा दिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सजा दी है, याद नहीं है राहुल गांधी को कौन गड्ढा खोदना था। जब लालू यादव जी को सजा होने की बात थी और एक अध्यादेश आया था, किसने फाड़ा था, उसमें पीड़ा नहीं थी, लालू यादव इसलिए कि पिछड़ा का बेटा था, वो गड्ढा खोदा कौन, हम पूछना चाहते हैं, उसमें पता नहीं था, फाड़ फाड़ देंगे प्रधानमंत्री वहां और यहां फाड़ दिया, नाटक किया प्रेस के सामने, तो जो गड्ढा खोदा था राहुल गांधी ने उसी गड्ढे में खुद गिरे, आज बहुत उनको तकलीफ हो रही है, सत्याग्रह भी कर रही है। और लालू यादव को जब दिखाए थे आईना फाड़ करके, तो उनके लोगों को तकलीफ नहीं, इसलिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, भारत के इतिहास साक्षी है कि ये पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, गरीबों के, दलितों के विरोधी रहे हैं, ये अपमानित कर सकते हैं इनको, है राइट, गाली दीजिएगा पिछड़ों को, गाली दीजिएगा, मोदी जी इसलिए नहीं पच रहे हैं कि मोदी जी एक गरीब का बेटा है और पिछड़ा का बेटा है, इसलिए इनको अंदर नहीं समा रहा है, सीना फट रहा है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, कैसे गरीब का बेटा, कैसे पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, इसलिए राहुल गांधी ने जो गड्ढा खोदा था उसी में गिर गए वो। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंच से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव का मजाक उड़ा दिया था, जिसके बाद रामकृपाल यादव भड़के हुए नजर आ रहे हैं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।